मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ऐसी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ हरी मटर की घुघरी जो होती है ना, वो उसमें थोड़ा सा चूरा डाल के, जो पोहा होता है ना वो उसमें डाल के थोड़ा सा उसको फ्राई कर रही हूँ। और एक तरफ बना रही हूँ गुड़ की चाय और बहुत जल्दी में है क्योंकि आज जाना है ना बच्चों के स्कूल, पीटीएम है आज। अरे मेरी बिंदी गिर गई। क्या बिंदी ना बहुत गिरती है, तो पीटीएम है तो जाना है इसीलिए, और जल्दी जल्दी की हूँ, जल्दी से हो जाए। और खाना तो आने के बाद ही बनाएंगे क्योंकि खाना ना फिर ठंडा हो जाएगा और टाइम भी नहीं है, जल्दी से जाना है। और बच्चे सब रेडी हो गए हैं, अभी मुझे रेडी होना है, तो मैं पहले चाय पी लूँ उसके बाद से रेडी होके चलेंगे। और बच्चे बाहर धूप में है, धूप बहुत अच्छी निकली है आज, ठंडी नहीं है ज्यादा, तो चलते हैं वहां से आते हैं फिर बनाएंगे खाना। तो ये देखिए, ये है मेरा चूरा और हरा मटर और तैयार हो गया ये भी। और एक तरफ है चाय, गुड़ वाली चाय। चलो हो गया, चलो आप रेडी हो गई? हाँ हो गए। जूती निकाल दो मेरी, उसमें है ग्रे वाली। हाँ ग्रे वाली। हाँ हाँ भाई लो, बस जूती पहननी है बाकी। हाँ। तुम क्या पहनोगी? मैं तो शूज ही पहनूंगी। चलो जल्दी चलो। टाइम क्या है? टाइम 10:30, 10:30, 11। चलो चलो जल्दी चलो, टाइम पे चलो। पर्स लेना है, पर्स। वो दरवाजा बंद कर दो और लाइट बंद कर दो दोनों कमरे की। ठीक। चलो तो पहुंच गई हूँ स्कूल और गाड़ी बाहर खड़ी है, चलते हैं अंदर देखते हैं टीचर क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं। और टीचर से मिल लिए, बात हो गई। और यहाँ पे ना डुग्गू भी गई थी हम लोग के साथ, जब हम लोग गाड़ी से जा रहे थे ना तो ये रोने लगी। ये सामने ही रहती है ना, तो ये जब कहीं जाओ तो रोने लगती है, तो हम लोग बैठा लिए गाड़ी में। और जब निकल के आए क्लास से बाहर तो फिर ये कहने लगी झूला झूलेंगे, झूला झूलेंगे। तो झूला झूलाए, दो तीन झूले झूलाए और ये आने का नाम नहीं ले रही है। मैं बोल रही थी बेटा घर चलो, तो नहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे और झूलेंगे। और फिर इस पे से उस पे, उस पे से उस पे, बस इनका यही लगा था। और डरती तो बिल्कुल भी नहीं है, इतनी छोटी है समझिए, इतने ये बड़े बड़े झूले हैं और झूल रही थी बच्चों के साथ। बड़ी मुश्किल में तो ये घर आई थी, आ ही नहीं रही थी। और झूलेंगे बस यही इनका यही रट लगा था। और सब लोग देख, सब पेरेंट्स देख रहे थे, अरे इतनी छोटी बच्ची आई, इतनी छोटी बच्ची आई। ये इसको पहले तो हम लोग गाड़ी में बैठाए रहे, फिर जब आने लगे तो कहने लगी झूला झूलेंगे। तो फिर ये हुआ कि चलो थोड़ा सा झूल लो, और देखिए कैसे झूल रही है, बिल्कुल भी डर नहीं है इसके अंदर। ये देखो रो तो बिल्कुल भी नहीं रही थी कि हाँ गिर रहे हैं तो रो रहे, कुछ नहीं है, मस्त है एकदम मस्त। तो फिर हम निकल गए बाहर के लिए, गाड़ी मेरी यहाँ पे खड़ी है और इनको जबरदस्ती लाया जा रहा है। ये मेरी बेटी है और उसकी मतलब फ्रेंड है, तो जबरदस्ती ला रहे हैं सब लोग गाड़ी में बैठा रहे हैं। ये बैठ ही नहीं रही थी, रोने लगी, फिर मैं गोदी में जब लेके बैठी तब जाके ये बैठी, फिर घर आए। तो अभी मैं आ गई हूँ घर और काफी देर लग गया, मैं सोची जल्दी आ जाऊंगी लेकिन नहीं, टाइम लग गया। तो अभी चल, और डुग्गू थी ना ये ज्यादा ही परेशान कर दी, आने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस एक झूला छोड़ दूसरे झूले पे, उसपे से उसपे, बस कह रही थी घर नहीं जाएंगे यहीं झूलेंगे। मन तो मुझे तो इतनी गुस्सा रही थी वहीं छोड़ दे इनको। लेकिन कहें जल्दी चलो फिर आए, अब चल रहे किचन में खाना बनाने, टाइम हो गया है ज्यादा। और बना के गई रही थी, कोई टेंशन नहीं रहता, लेकिन बना के नहीं गई थी ना तो टेंशन हो रहा है, जल्दी से बना लें। और ठंडी बहुत लग रही है अंदर। अच्छा बाहर धूप निकली तो बाहर में ठंडी नहीं लग रही है, धूप में बैठो ना तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर ना नीचे आओ तो बहुत ठंडी लग रही है। तो चलते हैं। और बच्चे कह रहे मम्मी आलू के पराठे बनाओ, तो मेरे बच्चों को ना आलू पराठे बहुत पसंद है, तो जब भी घर रहते हैं तो बोलेंगे मम्मी आलू के पराठे बनाओ। तो चल रही किचन में और आलू मैं चढ़ा दी हूँ उबलने के लिए, और जल्दी से बनाएंगे आलू के पराठे फटाफट से, गरम गरम सबको देंगे खाने के लिए, फिर चलेंगे धूप में बैठेंगे क्योंकि ठंडी बहुत लग रही है, बहुत ही ज्यादा। और बस मैं फटाफट से लग गई कामों में, और इधर आलू मैं तैयार कर ली हूँ और आटा भी लगा ली हूँ, अब इसको इसमें भरते जाएंगे और फटाक से बनाते जाएंगे। और इतना समझिए भागा दौड़ी मस्ती है ना, जब कहीं जाना होता है, जो हाउसवाइफ होंगी ना वो समझ सकती हैं कि घर और बाहर दोनों को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, घर का भी काम देखना और जब किसी दिन बाहर जाना पड़ जाता है
तो कितनी दिक्कतें आती हैं, कितना भागा दौड़ी मस्ती है वो तो वही समझ सकती हैं। तो वही मेरे साथ हुआ, बाहर भी जाना था आज, स्कूल भी देखना था, फिर घर का भी देखना था, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरा दिन कैसे बीत जाता है उस दिन तो पता ही नहीं चलता है, जब किसी दिन बाहर जाना पड़ता है या शॉपिंग या कहीं भी जाना पड़ता है तो मुश्किलें बहुत आती हैं। लेकिन ये होता है, हो जाता है जैसे भी करके, थोड़ा सा यही होता है कि आराम करने का टाइम नहीं मिलता है और बस उसी में पूरा दिन कैसे चला जाता है। तो ठीक है, होना भी चाहिए, हर तरह से ढलना चाहिए। और यहाँ पे मैं आलू और प्याज आए थे, कल ही आया था, और मैं मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं उसको रखूँ, तो अभी मैं जब खाना वाना सब लोग खा लिए तो मैं सोची लाओ इसको लगे हाथ रख लेते हैं, तो ऊपर वाले डलिया में वो रख दी हूँ लहसुन, और फिर अभी प्याज भी रखना है। और ऐसे पॉलिथीन में पड़ा था ना तो अच्छा नहीं लग रहा था, और जो हरी सब्जी आई थी उसको मैं फ्रिज में रख दी, और आलू प्याज और लहसुन तो इसी में रखते हैं, ये बाहर ही रहता है, हवा लगते रहता है तो खराब नहीं होता है, तो वही मैं इसमें रख दूंगी, और जितने पॉलिथीन वगैरह हैं सबको डस्टबिन में डाल दूंगी। ये भी एक काम ही होता है, जैसे बाहर से आ गया तो घर में रखना तो हम लोग का काम होता है ना, उसको नहीं रखे तो फिर ऐसे पड़ा रहता है तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। तो खाना पीना हो गया है कंप्लीट, और ये भी काम हो गया, अब चलूंगी थोड़ी देर बैठूंगी धूप में। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आज का बताइएगा कमेंट करके।